आज हम फ्रूट रगड़ा चाट बनाएंगे जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगती है। और अगर आपके घर में बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो उनको भी बहुत पसंद आएगी। उसके लिए मैंने फ्रूट लिए हैं, अनार चीकू के छोटे टुकड़े किए हैं, पपीता इसके भी छोटे टुकड़े किए हैं, अमरूद इसके भी छोटे टुकड़े किए हैं, एप्पल और केला, केला के भी सेम पीस करेंगे। केले को हम बाद में काटेंगे क्योंकि ये काला पड़ जाता है इसलिए। ये उबले हुए छोले लिए हैं, छोलों को हम हल्का ऐसे मैश कर लेंगे। ये ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक आप टेस्ट अनुसार डालें, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच। ये देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 छोटा चम्मच तेल गरम रखा है। तेल गरम हो गया है तो हम ये डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। चाट बनाने के लिए इसी प्लेट में मैं छोले निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने केले के भी टुकड़े कर दिए हैं तो हम इन सब फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। इनको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसके ऊपर डालेंगे। ये रंग बिरंगे फ्रूट बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर चटनी डालेंगे, ग्रीन चटनी। अब इमली की चटनी डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक और मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी मिक्स नमकीन, आप चाहें तो बारीक नमकीन भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए धनिया पत्ती। आप किस तरीके से फ्रूट रगड़ा चाट बना के खाएं आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं अपना टेस्ट।